बीपी ब्लड प्रेशर, आई यू नो ब्लड प्रेशर के पेशेंट का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन असल में ये ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आखिर होता कितना है और किस तरह से हम इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो है वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराड़े एंड यू आर वॉचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लड प्रेशर मतलब खून का दबाव। तो जब हमारी बॉडी में खून बहता है तो वो खून हमारे नलियों के ऊपर कुछ दबाव डालता है, कुछ प्रेशर डालता है, और जब हम इस दबाव को मेजर करते हैं तो इसी दबाव को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 मतलब 120/80 इतना हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो इसके बाद आपको दो टर्म्स याद रखना जरूरी है जिसे कहा जाता है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसे आपको समझना जरूरी है। तो हाइपरटेंशन का मतलब है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 120 और 80 से बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब है ज्यादा और हाइपोटेंशन का मतलब है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 120 और 80 से घट जाता है, कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब है कम। तो ये दो टर्म्स आपको पता होना जरूरी है। लेकिन आखिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता और घटता क्यों? इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जैसे कि मोटापा, ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, देन स्मोकिंग करना, ज्यादा सॉल्टी फूड खाना मतलब ज्यादा नमकीन चीजें आपकी डाइट में होना, देन पानी बिल्कुल भी ना पीना। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ता या फिर घटता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम इस ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि कौन सी चीजों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता या घटता है, तो आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को ठीक करना जरूरी है, तो एज अ रिजल्ट आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आपका वेट मैनेज करना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, डाइट प्लान अच्छा फॉलो करना है, देन अगर आपको स्मोकिंग की, अल्कोहल कंजम्पशन की कोई बुरी आदत है तो आपको वो छोड़ देनी है। तो इन शॉर्ट आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करना जरूरी है, और अगर आप ये चेंजेस करेंगे तो एज अ रिजल्ट आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।